नाज़रीन, आप देख रहे हैं जी टीवी उर्दू। आज हम आपको इंसानी खोपड़ियों की शक्ल वाले फूलों के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू होने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम आने वाली नई वीडियोस आप तक बरवक्त पहुंच सकें। लंदन, अमेरिका, यूरोप और शुमाली अफ्रीका में आम पाए जाने वाले एक पौधे के फूल खिलने के बाद इंसानी खोपड़ी जैसे दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर कोई भी इस बात को तस्लीम करेगा कि ये इंसानी खोपड़ी जैसे ही हैं। इस पौधे का नाम ड्रैगन फ्लावर है, जो एक अजदहे की मानन दिखाई देता है। जब इस फूल की पत्तियां खुश्क होकर झड़ जाती हैं, तो बीच के खाली खोखे अजीबोगरीब इंसानी खोपड़ियों जैसे दिखाई देते हैं। यानी फूल खिले हों तो एक मुख्तलिफ रूप में नजर आते हैं और खुश्क होने पर इंसानी खोपड़ी जैसे दिखाई देते हैं। खोपड़ी नुमा फूलों के बारे में कहा जाता है कि अगर कोई खातून इन्हें खा ले तो इसकी जवानी लौट आती है, जबकि इन फूलों को घर में बिखेरने से बलाएं और मुसीबतें टल जाती हैं। विक्टोरिया अहद में स्नैपड्रैगन फूल धोखे, असरार और बदगुमानी की अलामत तसव्वुर किए जाते रहे। इसके अलावा बादशाही खवातीन इन्हें अपने लिबास में छपाती थीं, क्योंकि ये इन्हें पुरवकार बना सकते थे। लेकिन ये फूल आखिर क्यों इंसानी खोपड़ी की शक्ल में दिखाई देते हैं? एक बायोकेमिस्ट और मुसन्निफ का कहना है कि स्नैपड्रैगन के फूल दो तरफा तशाकल बायलिटरल सिमेट्री जैसी शक्ल रखते हैं। इसकी पत्तियां झड़ने के बाद अंदर का खोखला हिस्सा इंसानी आंखों के खाली डेलों और इंसानी मुंह जैसा दिखाई देता है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह करें। शुक्रिया। अब आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।